What is up, guys? Finally, good news is from Russia. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद ये जानकारी दी है कि रशिया ने तैयार कर ली है पहली कोविड-19 वैक्सीन। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी डॉटर को इससे वैक्सीनेट किया जा चुका है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि रिसर्चर्स की माने तो इस वैक्सीनेशन को पब्लिक यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई है, रशिया ने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। चलिए बात करते हैं इसके नेम के बारे में। रशिया ने इसको नाम दिया है स्पुतनिक और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 बेसिकली इस कोविड-19 की जो वैक्सीन रशिया ने तैयार की गई है, इसको नाम दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है कि ये नाम क्यों दिया गया है, इसका मुझे आज ज़्यादा आइडिया नहीं है। आपको अगर मालूम हो कि ये नाम क्यों दिया गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि रशिया की कई सैटेलाइट्स का नाम भी स्पुतनिक है। उसके बाद में बात करते हैं रशिया के एक बहुत खूबसूरत शहर मॉस्को में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है गैम्लिया माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर। वहाँ पर इस वैक्सीन को तैयार किया गया था और गैम्लिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि वो लगभग 20 साल से वैक्सीन्स के ऊपर या वायरसेस के ऊपर वर्क कर रहे थे और ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है इस वैक्सीन का प्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे कि 20 साल कोविड-19 या कोरोना वायरस तो आई थिंक 2019 दिसंबर में पहले केसेस देखने के लिए मिले थे, तो 20 साल से ये इसके ऊपर वर्क कैसे कर रहे थे। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये लोग वायरसेस के ऊपर 20 साल से रिसर्च कर रहे थे। और एडिनो वायरस एक वायरसेस की फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इस एडिनो वायरस को बेस बनाकर इन्होंने जो ये वैक्सीन थी इसको तैयार किया है कोविड-19 के लिए। 20 साल से ये लोग वायरसेस के ऊपर, वायरस कैसे फैलते हैं, कैसे वैक्सीन बनाई जा सकती हैं, कैसे उनका जो स्प्रेड है वो रोका जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो रशिया को जो है ज़ीरो से स्टार्टिंग करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने एक कदम आके ये 20 साल की मेहनत जो थी इसके इसको यूज़ करके एक कदम आगे आके वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया और उन्होंने ये वैक्सीन तैयार कर ली है। उसके बाद में जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़ हैं उनको उनमें खलबली मच गई है। क्यों? क्योंकि जो था रशिया ने पहली वैक्सीन जारी कर दी है और जो फार्मा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो ये वैक्सीन है ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है ह्यूमन यूज़ के लिए, क्योंकि इसको इसके प्रोडक्शन में, इसको तैयार करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई है और बहुत कम लोगों के ऊपर इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया है, ऐसा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़ का कहना है। और आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा भाई आपसे भी डिस्कस करने का, रिप्लाई जरूर करूंगा, कमेंट करना। उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर है रशिया के मिखाइल मुराश्को, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, मिखाइल मुराश्को, हाँ जी, उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल था वो लगभग 100 लोगों के ऊपर किया गया है, जो कि बहुत कम है। 100 लोगों के ऊपर इसका ह्यूमन ट्रायल किया गया है और ऐसे में इतने कम ह्यूमन ट्रायल्स के साथ इस वैक्सीन को लॉन्च करना या पब्लिकली यूज़ के लिए इसको मंजूरी देना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ का कहना है कि वैक्सीन जो है कम्प्लीटली इसका ट्रायल किए जा चुके हैं और बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। यूज़ करने के बाद में इसको जो है इसको यूज़ करने के बाद में, वैक्सीनेशन करने के बाद में हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासीटामोल लेने की सलाह दी गई है। तो जब इतने बड़े बड़े एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि इसका यूज़ जो है ख़तरनाक हो सकता है, या मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़ कह रही हैं कि इसका जो है जल्दबाजी की गई है बनाने में, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और रशिया के प्रेसिडेंट ने इस वैक्सीन को जो है जल्दी लॉन्च कर दिया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी बताना, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के पॉलिटिकल जो है उतार चढ़ाव चल रहे हैं पुतिन को लेकर, प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर। तो शायद उसकी जल्दबाजी में उन्होंने अपने, कहते हैं ना कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, हो सकता है उन्होंने इस वैक्सीन को जल्दी जो है लॉन्च कर दिया हो। तो ये था वैक्सीन के बारे में। हालांकि गुड न्यूज़ है कि वैक्सीन बनके तैयार हो गई है। आई होप कि हमारे कंट्री में भी बहुत जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है। भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इंडियन वैक्सीन कोविड-19 के लिए आ जाएगी। तो
तब तक स्टे सेफ, स्टे होम और दुआ करना जल्दी वैक्सीन बन जाए। और इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोज़ के लिए और लेक्चर वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।